सोलन नगर निगम का मुद्दा आजकल बेहद सुर्खियों में है। जब से सोलन को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है, तब से सोलन के साथ लगती पंचायतें इसका विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर उनकी पंचायतें नगर निगम में आती हैं तो उनकी कई अधिकार छिन जाएंगे, उन्हें कई तरह की सरकारी योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ेगा। जब उनके विरोध के सुर उठे तो गाँव वासियों के संशय को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उन्हें नगर निगम बनने के फायदे भी बताए और उन्हें नगर निगम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया, जिसमें कुछ प्रतिनिधियों ने मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई तो कुछ बेहद रोष में नजर आए। इस मौके पर गाँव वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनकी पंचायत पर जबरन नगर निगम थोपा जा रहा है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और वे इसका डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम की आड़ में जिला प्रशासन और राजनेता भू माफिया और बिल्डर माफिया को संरक्षण देना चाह रहे हैं और उनकी शामलात जमीनों पर नजर है, जिस पर वे कई तरह के परिसर खड़े करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से उनके पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, कई तरह की सब्सिडियां उन्हें नहीं मिलेंगी, कृषि पर मिलने वाली सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, इसलिए उन्हें अगर नगर निगम में शामिल किया जाता है तो वे इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो आश्वासन उन्हें दिए जा रहे हैं, अगर वे उन्हें लिखित में सरकार देती है तो ही वे इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। आज जो विषय था, ये नगर निगम में जो आठ पंचायतें शामिल की जा रही हैं,